अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मोदी जी जब 2014 में अपने चुनावी लच्छेदार भाषण दे रहे थे तब उन्होंने वादा किया था कि महंगाई कम होगी, लेकिन आज पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, डीजल का दाम आसमान छू रहा है, आज गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने डीएम का घेराव किया है और हम मांग करते हैं ये झूठी मोदी सरकार से कि पेट्रोल और डीजल का दाम कम किया जाए। आज हम लोग करीबन 150 से 200 मोटरसाइकिलों स्कूटी को धक्का मार के यहाँ तक लाए हैं और हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम कम करें मोदी जी। देखिए, आप देख रहे हैं कि चार तार से निरंतर पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस में जिस तरीके से दाम बढ़ाए जा रहे हैं, निरंतर दामों को बढ़ा करके मध्यम और गरीब लोगों की कमर तोड़ने का काम केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बावजूद भी लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। अभी विगत 10 सितंबर को हम लोगों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी के निर्देश पे भारत बंद किया था और कानपुर बंद करके विरोध दर्ज कराया था, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जिसके कान में जू नहीं रहेगा और आज भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित करके उनसे दाम घटाने की मांग की है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है जबकि डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। जीएसटी के दायरे में न लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार की मंशा अडानी और अंबानी को अपरोक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का है। हम लोग सड़कों पर इसी तरह से संघर्ष करेंगे, इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे और जब तक इनको नींद से जगा नहीं देंगे तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे।